जिनको बोला जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है, वकील आपको मिसगाइड करता है, हाउ डेयर यू, आप कैसे बता सकते हैं वकील मिसगाइड करता है? वो तो केस टू केस डिस्कशन हो जाएगा, तो आप सब रजिस्टर में केस नहीं कर रहे होते, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप पावर ओवरलैप करते हैं, भूल जाते हैं आप सब रजिस्टर, मेरे मुंह में पुट मत करिए, आप भूल जाते हैं सब रजिस्टर है, आप गलत सब बोल रहे हैं, आप क्या काम सबको बना रहे हो? मेरी बात सुनिए वकील साहब, फाइल नहीं सुनिए, फाइल नहीं, मेरी बात सुनिए, फाइल नहीं सुनिए, एक मिनट फर्स्ट आप पढ़े हैं, मुझे भी फर्स्ट आप बहुत मुझे ला आप मुझे वो प्रोविजन बता दे लॉ में जहाँ पे लिखा है, आपको पता ही मैडम, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, वन थिंग, सेकंड थिंग, अंडर रजिस्टर एक्ट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गो टू द डिटेल्स, अगर आपका तसीदा फर्द बना के दे रहा है, पटवारी को चेक करके दे रहा है, दे आर बाउंड की पार्टीशन हुई है नहीं हुई है, जगह कैसे बिकी, हाउ कम यू आर इंटरवीनिंग द मैटर, और फिर आप पार्टीज को ये बोलते हैं कि मैं आपको देख लूंगी, मैं आपके वो भी बनवा देती हूँ, मैं आपके एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनवा दूँ, वाई आप क्यों पार्टी का डायरेक्टर हो रहे हैं? इज देयर एनी अंडर हैंड डील? इज देयर एनी अंडर हैंड डील? व्हाई यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद द पार्टीज? और बोल लीजिए, आपको और क्या बोलना है? बोलने जो हमारी है, आपका ये एटीट्यूड जो है ना, इसकी वजह से बताएं, और बताएं एक्टिविटीज आप करना बंद कर दें, जो आपको कानून के तहत इख्तियार है वो फॉलो करें, उसके तहत अपना काम करें। इलीगल एक्टिविटी क्या हुई है? बताए, बताए। उस दिन फ्राइडे को मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, लिमिट क्रॉस की, जो है बिल्कुल बिल्कुल आपको क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कानूनी तौर पर फायर फाइल की है, ऐसे जो हमारे फायर है, केस केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो आपने एफआईआर फाइल की थी ना, ये ना हम देख लेंगे उसको, वी नो वेरी वेल, आप वकील हम देख लेंगे उसको, हम देख लेंगे, आप भी ले आएंगे, हम देख हम भी ले आएंगे, आप भी ले आएंगे, आप ले सीधे लेंगे एफआईआर को, हम देख लेंगे, जिसने गाली दी है अंदर आ जाए वापस, मैं भी बताती हूँ तुझे, ये गाली कौन, गाली कौन देखी गया यहाँ से, सर्वेंट तू, तेरी सर्वेंट नहीं, पर्सनल यू शट अप, पब्लिक है तो कुछ भी बोलेगी,
देखिए हमारे कानून में ना हर चीज एक डिफाइन हो रखी है, इंडियन लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन लॉ, उसमें लिखा हुआ है कि जिसने एक्ट में क्या पावर्स हैं, बतौर एसडीएम क्या पावर्स हैं, बतौर सब रजिस्ट्रार क्या पावर है। ये एसडीएम की पावर्स बतौर सब रजिस्ट्रार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है मैडम, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो हमें ग्रीवियंस है वो ये है कि ये इनको बात करने का तरीका जो वकील साहिबान से है वो इतना गलत और इतना रूड है कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट टॉलरेबल टू द बार एसोसिएशन। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर वकीलों से इस तरह से बात की जा रही होगी तो एक आम आदमी को, एक आम इंसान को क्या समझा जाता है उस ऑफिस में। हम आज 12 बजे यहाँ पे आए, इनके ऑफिस के डोर्स बंद थे, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, हमारे मीडिया की जो हमारे तब समय पर्सन थे उन्होंने वो देखा होगा, हमने वो कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है। कौन सा पब्लिक ऑफिस है जो 12 बजे बंद रहता है? अब इनका एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब पता नहीं मैडम को आता है नहीं आता है, कॉपी चाहिए होगी, बुक चाहिए हम प्रोवाइड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इनके पास सिर्फ ये इतनी पावर होती है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट देखना है, उस पर साइंस देखने हैं, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो लगे हैं, वो अटेस्ट हुए हैं वो देखने हैं, पार्टीज की कंसेंट पूछनी है कि आपने पैसे ले लिए, आपने कंसेशन अमाउंट रिसीव कर लिया है, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, कोई दबाव है? ये उसको छोड़कर एसडीएम बन जाती हैं और कहती नहीं इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट लगा ये गलत है। इन्होंने एक नया कानून निकाल दिया कि जो भी जगह बिकेगी, किसी भी नंबर में बिकेगी, उस नंबर में अगर 100 बंदा कोच एरर है तो 100 का 100 एफिडेविट लेके आएगा, कहां से? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। जबकि हाईकोर्ट का रूल है कि कोई भी डॉक्यूमेंट एफिडेविट जो लैंड की निस्बत होगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने निकाल दिया कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेके आओ कि ये जगह अगर कोई एक आदमी बेच रहा है तो बाकी वालों को इतराज नहीं है। ये भूल जाती है कि शी इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, शी इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है लॉ बनाने का। अभी थोड़े दिन पहले हमारे वकील साहब जहां पे आए, इन्होंने किसी बात पे बताया, वकील साहब ने अपने अपने हाईकोर्ट की, जेएनके हाईकोर्ट की जजमेंट निकाल के दी, शी सेड कि ये हाईकोर्ट की जजमेंट यहां नहीं चलती। कितनी शर्म की बात है कि एक मैडम कह रही है जो एक पब्लिक चेयर पे बैठी हुई है, वो कहती है कि हाईकोर्ट की जजमेंट हम नहीं मानते, हमारा अपना कानून है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के मसला था ना, क्योंकि एसडीएम के पावर रजिस्ट्रेशन की है, तो व्हाइल शी डिस्चार्जिंग ड्यूटी ना अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जनाब शी बीइंग अ रजिस्ट्रार जनाब शी बीइंग नॉट एसडीएम जनाब, तो हम कहने का अभिप्राय है कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन थी 5-7-8-9 वकीलों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इनको हरास किया गया, इनको मेंटली टॉर्चर किया गया, तो नेचुरली बार में बात चली। तो फ्राइडे की बात है, हमारे एक केएल वर्मा साहब आए थे, उनको रजिस्ट्रेशन, उनको भी बड़ा इन्होंने डोमिनेट करने की और हरास करने की, ऐसी हालात बन गई कि हमें आज बार में मीटिंग करनी, उन्होंने सभी अपनी ग्रीवेंस बताई। इसके अलावा बाकी जो बुकला साहबान थे ना, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम आई कि मैडम का जो बिहेवियर या बड़ा रूड है जनाब, हरासमेंट होती है, परेशानी होती है, इसलिए हम आए सभी बुकला साहब जनाब, कम से कम जनाब 100 बुकला साहबान आए थे यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। जब आए तो दरवाज़ा मैडम ने बंद कर लिया था, हमने दरवाज़ा ना करने के लिए कोशिश की, सभी बुकला ने नहीं दरवाज़ा खुला, अंदर से लॉक किया। मेरा कहने का अभिप्राय है कि पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस का चाहे कोई प्रोटेस्ट करने आए चाहे कोई आए, दरवाज़ा खुला होना चाहिए जनाब, फंडामेंटल राइट है जनाब हर आदमी का, रजिस्ट्रार के, सब रजिस्ट्रार के पास या किसी के पास आने का जनाब। तो जब हम ये दरवाज़ा नहीं खुला, फिर हम अंदर से गए, अंदर से भी दरवाज़ा बंद कर लिया, जब अंदर से बंद कर लिया तो बिकोला साहब ने अंदर में दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ना, उसको भी बंद कर लिया ज़बरदस्ती जनाब, फिर हमने जबरदस्त बोला कि इसको खोल दो जनाब, फिर बिकोला साहब ने उसको साइड किया, धक्का दे के साइड के अंदर गए, हमने जब उससे बोला कि आपका जो बिहेवियर ठीक नहीं है, आपको इन रिगार्डन बात करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी देखी है। जब तहसीलदार साहब ने फर्द बना दिया, पटवारी ने प्रिपेयर किया, नायब तहसीलदार ने उसको ऑथेंटिकेट दिया, तहसीलदार ने टेस्ट कर दिया, सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद ना उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्यों होना? वैलिडिटी देखनी है आगे कंपिटेंट अथॉरिटी में, इसकी क्या वैलिडिटी है क्या नहीं है, दैट इज टू बी सीन बाय अदर कंपिटेंट अथॉरिटी ना, आपने नहीं देखनी। अब यू आर डिस्चार्जिंग ड्यूटी एज ए सब रजिस्ट्रार जहाँ एंड यू बीइंग जनाब एज ए डिस्चार्जिंग ड्यूटी एज ए क्लर्क, मैं यही कहूँगा ऑफिसर अंडर दी क्लर्क को ऑफिस अंडर दी ऑफिसर अंडर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट जहाँ उसी में बहस होगी जना, कहते हैं आप मेरा जब मेरा ऑफिस है, मैंने ये कहा आपका ऑफिस नहीं है, ये पब्लिक ऑफिस है। देखिए इंसिडेंट तो जो आज हुआ वो आपके सामने है, लेकिन जो फ्राइडे को यहाँ पे आफ्टरनून में हुआ वो आपके सामने भी पूरा मसला नहीं है। मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। दरअसल फ्राइडे के दिन पे एक रजिस्ट्री है हमारे पास में आई, उस टाइम पे मेरी एक मीटिंग चल रही थी इलेक्शन की डेट टाइम मीटिंग, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कैमरे के सामने ही काम किया जाए, इसमें साउंड ऑडियो सब रिकॉर्ड की जाती है ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी हर एक ऑफिस की मेंटेन रहनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट का स्पिरिट है और उसी स्पिरिट में हम काम करते हैं। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के लिए आया, मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में लिया, आई टोल्ड माय रीडर कि आप मैडम जल्दी से ये केस पढ़ ले, क्योंकि बहुत बड़ा मोटा डॉक्यूमेंट रहता है, एक पेपर पढ़ना पड़ता है हमें रजिस्टर करने से पहले, और मैं उस टाइप के ऑफिसर नहीं जो बिना पढ़े साइन कर दो। मैंने पेपर पढ़ने के लिए छोड़ा यहाँ पे और मैंने बोला कि फटाफट मेरे साथ आकर डिस्कस करो। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हुई, कोई 3:30-4 के करीब, मैंने अपनी मीटिंग का वो डॉक्यूमेंट पकड़ा एंड आई आस्क्ड क्या डिस्क्रिपेंसी, दे सेड कि मैडम इसमें एक सर्टिफिकेट आप देख लें। मैंने सर्टिफिकेट जैसे ही खोला, वो देखा वो सर्टिफिकेट 2007 का था,
उस एक्ट के हिसाब से था जो आज के टाइम पे रिपील हो चुका है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूपी बनने के बाद में रिपील हो चुकी हैं। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं नहीं बोलती, लेकिन मुझे पता था तो मैंने इनको बताया। वकील साहब को इनकी पार्टी को इन्होंने वकील साहब ने इन्फॉर्म नहीं करने दिया, लेकिन मैंने इनके कंसर्न जो वकील थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं हम आपको हेल्प करेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हम सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपका आपको रजिस्ट्री करके देते हैं। ही सेड कि आप मेरा केस रिजेक्ट करो। और रिजेक्ट किस किस तरह से कहा उन्होंने, तुम अभी मेरा केस इसी वक्त रिजेक्ट करोगी। और तू तड़ाक के बाद में फिर वो बदतमीजी पे शुरू हो गए। और मैंने उनको बहुत आराम से बोला, मैंने कहा क्या आप ये डेलिब्रेटली मेरे साथ में करने की लड़ाई लेने की कोशिश करें कि क्या बात है, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट ठीक से आपका रजिस्टर हो सकता है, हम क्यों उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर मैंने आप उनको बताया, मैंने कहा देखिए आपकी इतनी स्टैंप ड्यूटी, इतना रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाता है तो वो चीज़ जो है आपके क्लाइंट को नुकसान हो जाएगा। क्या आपका क्लाइंट नुकसान झेलना चाहता है यहाँ पे? तो इन द मीन टाइम क्लाइंट भी अंदर आ गए। मैंने सारी बात उनको बताई, वो बोलने लगे कि नहीं मैडम कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से जहाँ हमने इतने कागज़ बनाए हम सही कागज़ बना के ही रजिस्ट्री करना चाहते हैं। लेकिन उनके वकील नहीं माने, बोलने लगे कि आपने मेरे क्लाइंट को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आपके ये वाला डॉक्यूमेंट अभी हम मंगा लेते हैं, हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे सही डॉक्यूमेंट पे। इन द मीन टाइम इनके वकील साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और यहाँ पे जो जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनएथिकल वर्ड जो बोल सकते थे, मेरे स्टाफ के सामने उनको रोकने की कोशिश की, उनको बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से हटाया। यहाँ से वो हट नहीं रहे थे और बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर गए थे। आई एम अ फीमेल ऑफिसर ऑल्सो, आई एम सिटिंग मजिस्ट्रेट ऑल्सो, अलग अलग डेजिग्नेशन में मैं यहाँ काम करती हूँ, सिर्फ सब रजिस्ट्रार नहीं हूँ मैं यहाँ पे, सब रजिस्ट्रार मेरा एडिशनल चार्ज है। एडिशनली हम लोग जितने देर हो सके हम लोग लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। बाकी सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में डेज फिक्स किए हैं कि एक या दो दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरे हफ्ते रजिस्ट्री ओपन रखती हूँ कि हमारी अपनी मीटिंग्स होती हैं, हमारे अपने काम अदर अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, तो किसी आम जनता को कोई किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए।